नमस्ते जय माँ जय माँ मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना अनुभव ठीक है आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है माता पुस्तक का पांचवा चैप्टर जो मूल रूप से शेयरविंद के योग द्रि, योग दृष्टि में कर्म के विषय में Uh, कर्म को देखने की दो दृष्टि हैं एक सीमित दृष्टि है सीमित दृष्टि है कि मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल पा रहा हूँ जो व्हाट्सएप में भी हम सुनते जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान भगवान तो केवल देख रहे हैं एक सीमित दृष्टि है कर्म को देखने की और जरूरी है जब तक हमको एक एक अहंकार का बोध है कि मैं करता हूँ और मैं भी फल का भोगता हूँ लेकिन इसकी एक विशाल दृष्टि है वो ये है कि कर्म केवल भगवान कर रहे हैं और वो इस तरह की बातों में परिलक्षित होता है जब हम कहते हैं सब कुछ भगवान करते हैं लेकिन अब उसमें समस्या ये होती है कि यदि भगवान सब कुछ कर रहे हैं तो हमारा कोई रोल है कि नहीं नंबर एक नंबर दो फिर ये संसार में जो कुछ हम देखते हैं उस वो कहाँ से आता है तो वो एक बहुत विशाल विषय है लेकिन यहाँ पर केवल हम इन दो बातों के बीच के समन्वय की बात करेंगे जिसको शेयरविंद माता पुस्तक में बताते हैं और गीता में इसका एक बड़ा सुंदर सूत्र है जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त करने की जरूरत है फिर भी मैं नित निरंतर कर्म करता रहता हूँ क्योंकि यदि मैं कर्म ना करूँ तो सारी सृष्टि कोलैप्स कर जाएगी तो वो जो श्री कृष्ण कर्म करते रहते हैं वो वहाँ केवल अवतार स्वरूप श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहे एज द डिवाइन भगवान नित निरंतर कर्म यानी अपने अंदर से ऊर्जा के द्वारा अपनी ही ऊर्जा के द्वारा संसार को गति और दिशा दोनों दे रहे हैं और वो इस बात को कहते भी हैं कि मैं किस दिशा में सबको ले जा रहा हूँ लोक संग्रहार्थ अब लोक संग्रहार्थ है मतलब टू होल्ड द मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी टुगेदर लेकिन कहाँ ले जा रहा हूँ ये बात श्री अरविंद बताते हैं कि डिवाइन मैनिफेस्टेशन ये संसार एक दिव्य अभिव्यक्ति के लिए बना है और उसी अभिव्यक्ति के लिए ये प्रकृति कार्य कार्यरत है पहले अज्ञान में कार्यरत होती है लेकिन उस अज्ञान के पीछे एक प्रज्ञा है एक संपूर्ण ज्ञान खड़ा है तो इस प्रकार से इस संसार में कर्ता भी भगवान है ऊर्जा भी वही भगवान देते हैं लेकिन मनुष्य को एक एक विशेष काम करना है काम करना है मतलब <laughs> जैसे भी हम देखें तो ये जो ऊर्जा है उसकी गति और दिशा है शेरविंद एक बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं मैन कैन प्ले एट क्रॉस परपसेज विद द ऑल विल अब देखिए आप समुद्र है समुद्र की वेव्स एक जगह आपको ले जा रही हैं तो आप चाहें तो उसके विरुद्ध अपनी गति लगा सकते हैं लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये हम सब जानते हैं तो ये सृष्टि के अंदर ये जो ऊर्जा है ये कालचक्र है जो वास्तव में देखा जाए बहुत गहराई से तो कर्म चक्र है जिसमें श्री शी, कृष्ण कहते हैं यंत्रारूढ़ी माया मैं चला रहा हूँ मैं न चाह रहा हूँ और हम उसके विरुद्ध चलने की चेष्टा कर सकते हैं वो व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है और समष्टि के ऊपर भी लागू होता है मैन कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट द चॉइस इज इम्पेरेटिव तो यदि हम उस काल की गति को पकड़ते हैं दिशा पकड़ते हैं और दिव्य की अभिव्यक्ति जो काल खंड में होती है एक एक समय जो आवश्यक है दूसरे समय पे कोई और चीज़ आवश्यक होगी क्योंकि भगवान तो हमेशा नई नई दिशाओं में ले जा रहे हैं अल्टीमेटली उस ग्रैंड कलमिनेशन की तरफ तो हम अगर उसी दिशा में उनकी ऊर्जा के ही को करेक्ट रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं बिना डिस्टॉर्ट किए ये हम लोगों का काम है हमारा काम है रिसीवर और ट्रांसमिटर का तो यदि हम क्योंकि जो कर्म की गति है जो ऊर्जा है वो प्रत्येक तत्व को ले जा रही है अब मनुष्य के नीचे समस्या नहीं है क्योंकि वो नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उतना ही रिसीव करेंगे जितना वो कर सकता है हाथी कभी भी शहर में आके उदंड करना नहीं शुरू करता है उसको पता है अपनी सीमा उसके अंदर रहेगा सिंह अपनी जगह रहेगा और उसमें एक बहुत ही इंटरकनेक्टेडनेस है जिसके द्वारा संसार चलता है लेकिन मनुष्य के साथ ये रिसीवर और ट्रांसमीटर ये एक नई चीज़ प्रारंभ हो जाती है ग्रहण करना और उसको आगे की ओर जाने देना और वो इसलिए होता है क्योंकि इस प्रोसेस में हमारा विकास होता है तो अगर हम सही ढंग से ग्रहण करते हैं जो भगवान की ऊर्जा है शक्ति है और उसको बिना किसी डिस्टॉर्शन के बिना उसको किसी तरह से तोड़े मरोड़े और एकदम एक प्योर एंड परफेक्ट चैनल की तरह उसको आगे ले जाने देते हैं तो भगवान का कर्म तो होना ही था लेकिन एक तो उसका ये होता है कि हम सबका जो एक इमीजिएट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसको हम कहें जिस परिवेश में हम रहते हैं वहाँ वो कार्य इंटेंसिटी ले लेता है जैसे एक लेज़र का रूप धारण करता है और साथ में हमारा विकास होता है तो कर्म योग का जो शेयरविंद की दृष्टि में मूल सिद्धांत यही है और इसके तीन प्रकार के कर्म हैं एक तो कर्म जो हमको बांधता है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति में चलता रहता है उसकी बात गीता करती हैं तीन प्रकार के बंधन तमोगुण में मन अंधकार में अंधता में मूरता में जड़ता में किया हुआ कर्म कितना भी अच्छा बाहर से क्यों ना हो लेकिन वो संसार में भी और हमारे अंदर भी डिल्यूजन मोह को बढ़ाता है फिर एक कर्म होता है जो स्वार्थ में नीच के कुछ प्राप्ति के लिए किया गया रजोगुण का कर्म वो कर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो सुख और दुख दोनों की उत्पत्ति करता है और तीसरा सत्य गुण में किया हुआ कर्म यानी शास्त्र विधि से अनुसार अपने स्वार्थ की जगह और भी सबका देख करके सबके बारे में कंसिडरेशन करके ये सब देश काल पात्र शास्त्र विधि इन सब का ध्यान करके जो कर्म किया जाता है वो आ, सुख लाता है और प्रकाश लाता है लेकिन वो भी एक तरह से हमको बांधता है तो ये तीन प्रकार के कर्म हैं और इसके परे इसके परे और एक कर्म है जो जहाँ पर ये बंधन से हमको मुक्त करता है वो मुक्त कैसे करता है जब हम त्रिगुणात्मक घेरे में या प्रकृति के त्रिगुणात्मक जाल के वशीभूतों के कर्म नहीं करते हैं बल्कि भगवान के संकल्प को साधित करने के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म हमको मुक्त करता है अब श्री अरविंद इसको और एक लेवल पर ले जाते हैं जो गीता के कर्मयोग से नेक्स्ट स्टेप है और वह है रूपांतरण तो रूपांतरण श्रीमद भगवद गीता में जो कर्म योग का सिद्धांत है वो हमको मुक्त करता है कर्म करते हुए और शेयरविंद के योग में उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं कि वो कर्म हमको रूपांतरित करेगा और बहुत सिंपल है इसका प्रिंसिपल कि श्रीमद भगवद गीता में हम भगवान के संकल्प से जुड़ के हम एक यंत्र बनते हैं उनके लिए लेकिन शेयरविंद के योग में हम माता की शक्ति को अपने थ्रू पास होने देते हैं रिसीवर एंड ट्रांसमीटर तो वो शक्ति जब अपने हमारे अंदर कार्य करती है तो वो धीरे धीरे हमको मुक्त तो करेगी लेकिन साथ में रूपांतरित करती जाएगी क्योंकि वो शक्ति का टच ही ऐसा है तो ये इसका जो मूल योग का है ये है तो अब हम लोग बिना समय को सीधा हम लोग इस चैप्टर पे आ जाएं। ये चैप्टर फाइव है और ये प्रारंभ में एक बहुत सुंदर एक एक लेटर है <laughs> शीरिंद का एक एक शब्द तो वो शब्द क्या है इफ़ तो पहले पहले शेयर में हमसे कह रहे हैं इफ मतलब यदि आगे क्या कह रहे हैं इफ़ यू वांट टू बी ए ट्रू डूअर ऑफ डिवाइन वर्क्स पहली बात इफ यदि और दूसरा ट्रू डूअर काम तो सब करते हैं आम माता जी का काम कर रहे हैं हर व्यक्ति जो कोई आश्रम में है सेंटर में है यहाँ है वहां है सब समझ रहे हैं हम भगवान का काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ ट्रू डुअर की बात हो रही है एंड डिवाइन वर्क्स वो नहीं जो मैं चाहता हूँ लेकिन भगवान का जो काम है वो करना तो यहाँ तीन चीज़ें बताइए कि क्या हम भगवान का काम सच्चे ढंग से ट्रू डूअर करना चाहते हैं यदि हाँ तो योर फर्स्ट एम मस्ट बी टू बी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल डिज़ायर एंड सेल्फ रिगार्डिंग ईगो हम जो भी काम कर रहे हैं घर में काम कर रहे हैं दैनिक कार्य कर रहे हैं भोजन बना रहे हैं भोजन खा रहे हैं चल रहे हैं मित्रों से मिल रहे हैं संगीत की शिक्षा ले रहे हैं कोई किताब पढ़ रहे हैं कोई टॉक दे रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं पत्थर तोड़ रहे हैं चुपचाप बैठे हैं हर अवस्था में पहली चीज़ हमको ये देखनी है लक्ष्य होना है कि हमारे अंदर कहीं डिजायर तो नहीं आ रही है अब कामना तो बहुत द्वार से आ जाती है कामना तो हम भगवान का काम कर रहे हैं तो भगवान हमको ये ये देंगे लिस्ट है ये अलग छिपी होती है अंदर में तो वो कामना दूसरा सेल्फ रिगार्डिंग ही को हम कर रहे हैं माता जी का काम कर रहे हैं अब देखिए तो कहीं पर भी आ सकती है और ये बड़े कई बार हम लोग स्थूल द्वार तो हैं है ही हैं उसके वो तो आदमी सचेत रहता है कि, कि किसी धन के लिए किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हम ना करें अब आश्रम का ये फायदा होता है कि आश्रम में आपका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत हाई है क्यों हाई है आपकी पे पैकेट नहीं है सैलरी नहीं है तो जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं उनका तो वैसे ही मतलब सिलेक्शन हो गया <laughs> <laughs> रिजेक्शन हो गया ऊपर से क्या है साथ में आप वो प्रमोशन नहीं है तो आपका एम्बिशन भी खत्म हो गया हालांकि लोग ले आते हैं एम्बिशन कि नहीं इस डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर पदवी पर पहुंच जाऊं ये होता है एक लेकिन बहुत एक हल्का सा है वो बाहर जो एक पदवी के साथ में जो मान सम्मान है तो ये सारी चीज हटा दी जाती है तो अब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है कि इन दोनों के लिए हम काम नहीं करेंगे आपकी जो बेसिक नीड है माता जी वो आपको प्रोवाइड कर रही है तो डिज़ायर की बात नहीं है अब डिजायर ऐसी चीज है एक बार माँ एग्जाम्पल देती हैं कि वास्तव में इंसान चाहे तो एक्चुअली उसको एक सेंस में बहुत कम चाहिए लेकिन जस्टिफाई करने लगे तो वही वाली बात है कि वो व्यक्ति साधु जी थे वो सन्यास लेके एक दिन कोपिन खोल करके दो जोड़ी रखे थे उन्होंने एक जोड़ी सुखाने रखते थे फिर नहाने जाते थे तो पहनते थे तो वो कोपिन को कोई चूहा खा गया तो उनको ये लगा चूहा ये तो प्रॉब्लम हो गई तो किसी ने एडवाइस दिया बिल्ली पाल लो तो बिल्ली पाल ली बिल्ली की देखभाल के लिए उनको दूध चाहिए था तो गाय पाल ली गाय के लिए चारा चाहिए था तो एक खेत ले लिया अब सब देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए घर में तो शादी ब्याह हो गया तो अब देखिए सब उनकी नीड्स ही हैं देख नीड्स की कोई लिमिट नहीं है जिसको हम नीड्स कहते हैं लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो नीड्स इंसान की बहुत कम होती है। होती है कुछ बहुत अगर हम खुद सोचें इंडिस्पेंसेबल चीज़ क्या है तो शरीर के मेंटेनेंस के लिए आपको एक स्वस्थ भोजन चाहिए मतलब मैं एग्जिस्ट में अगर हम ना जाएं तो एक स्वस्थ भोजन चाहिए एक बेसिक लाइफ चाहिए कंफर्ट नहीं लेकिन आपको एक स्थान जहाँ पर आपको उठाना है दे कोई कि चलो तुम मेरे स्थान पर सोयो तो एक स्थान होना चाहिए इसीलिए ये सारी चीज़ें आश्रम में जो आते थे उनको प्रोवाइड कर दी जाती थी अभी भी है जो लोग नहीं एफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये है तो माता जी कहती थी कि मैंने ये सारी चीज़ें जिनके लिए लोग नहीं कर पाते थे वो प्रोवाइड करती थी एक तीसरी चीज़ और है इस कर्म में कि शेयरबिंद ने इसको बहुत महत्व दिया है एक जगह किसी ने लिखा कि हम आश्रम आते हैं माँ से मंत्र लेना चाहते हैं माँ ने कहा माँ मंत्र नहीं देती हैं कर्म देती हैं काम देती हैं शी गिव्स वर्क तो कर्म योग एक विशाल पथ है ज्ञान और ध्यान योग एक सीमित पथ है क्योंकि आप उसमें अपने अंदर जाते हो अंदर के एक सब्जेक्टिव सेंस में आप प्राप्त करते हो या नहीं प्राप्त करते हो ये आपकी इंटेंसिटी के ऊपर है भक्ति योग में अगेन आप अंदर जाते हो और उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हो बाकियों में भी भगवान को देखते हो लेकिन कर्म योग में केवल आप अंदर नहीं जाते हो कर्म होगा तो आपका शरीर शरीर की ऊर्जाएं कहीं ना कहीं संलग्न होंगी आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा हार्ट भी इन्वॉल्व होगा थॉट भी इन्वॉल्व होगा विचार आपकी भावनाएं भी इन्वॉल्व होंगी आपकी विल संकल्प इन्वॉल्व होगा और बॉडी के यंत्र उपकरण तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे तो इसलिए कर्म का पथ विशाल पथ माना गया है और इसको कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो यहाँ पहली चीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू बी ए ट्रू डूअर ऑफ डिवाइन वर्क ये नहीं कह रहे हैं कि इसके लिए तुमको आश्रम आने की ज़रूरत है या तुमको सेंटर ज्वाइन करने की जरूरत है ये नहीं कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू मस्ट बी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल डिज़ायर ऑल यहां ये नहीं कह रहे हैं मोस्ट ऑफ़ द डिजायर एंड सेल्फ रिकार्डिंग ईगो मैं भगवान का काम कर रहा हूं कि अरे प्रिविलेज है माँ की कृपा है वरना कौन कर सकता है भगवान का काम वही करते हैं दूसरा तो ये कैसे करेंगे ये तो बहुत बड़ा आपने स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बड़ा है तो यहाँ ऑल योर लाइफ मस्ट बी एन ऑफरिंग एंड ए सेक्रीफाइस टू द सुप्रीम कि जीवन को ये मान के चलना है मेरा जीवन अब तेरा है केवल तेरी शरण नहीं है ये तो बड़ा स्मार्ट है मेरा जीवन तेरी शरण तो वो तो है कि भाई, दे, मेरा आप देखभाल आप करना तो स्मार्ट मूव है मेरा जीवन तुम्हारा तुम्हारे लिए है तुम जो चाहो इसको वैसे उपयोग करो ऑफरिंग और उस ऑफरिंग का प्रयोजन क्या है ऑब्जेक्ट क्या है टू सर्व एंड इस सेक्रीफाइज टू द सुप्रीम यहाँ सेक्रीफाइस टू द सुप्रीम सेक्रीफाइज वर्ड ओरिजिनल यौगिक सेंस में यूज़ किया जा रहा है यज्ञ के रूप में यज्ञ में क्या होता है कि जब हम हवी डालते हैं तो शुद्ध होती है परिष्ट होती है रिफाइंड होती है तो जब ये कहा जाता है सेक्रीफाइस टू द सुप्रीम मतलब उसमें इवोल्यूशन इन्वॉल्व है ये नहीं कि सेक्रीफाइस कर दिया तो मैं अब बस आपके लिए सारे दिन हमको उसको अगर हम भगवान को ये मान के चलें कि ये भगवान के लिए हैं और भगवान के हर समय हमारे सम्मुख हैं तो आप देखिए वही कर्म हम कर रहे हैं मान लीजिए हमको वाणी से भगवान की सेवा करनी है या कोई भी काम करना है अब ये हमने मान लिया कि हम माँ के लिए काम कर रहे हैं कर भी रहे हैं प्रारंभ में और लोग हमसे आके कुछ कह रहे हैं तो मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए ये नहीं कि हम दिखें अच्छे किंतु माता जी वहाँ पर हैं एक दिन दो दिन पहले की बात है कि कोई सज्जन थे बहुत वर्षों से यहाँ पर है बाद सज्जन की नहीं है बात एक मानसिकता की है तो बड़े परेशान हो रहे थे बड़े कंप्लेंट कर रहे थे आ, सिस्टर के ऊपर और इसके ऊपर उसके ऊपर तो मैंने कहा देखिए एक मिनट आप इतना क्रोधित हो रहे हैं आपने कभी सोचा कि ये जो सिस्टर काम रही है तो योग साधना नहीं कर रही है ये तो नौकरी कर रही है और यहाँ पे पचास लोगों की देखभाल कर रही है इसके बाद ये घर में जा करके के अपने सास ससुर की भी देखभाल करेगी बच्चों की देखभाल करेगी हस्बैंड के ताने सुनेगी और आपको सब भगवान ने प्रोवाइड किया है तो अगर आप ही विचलित होंगे क्रोधित होंगे तो इनसे हम कैसे कह सकते हैं कि तुम शांति रखो तो अब देखिए ये कहना आसान है कि हम माता जी का, का काम करें तो यहाँ यज्ञ क्या करता है उस चीज़ को रिफाइन करता है नहीं मेरे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए मेरा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए मेरा कर्म में व्यवहार कैसा होना चाहिए तो इसलिए यज्ञ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गीता में इसका बहुत आ, चर्चा हुई है कि इट शुड बी ए नहीं तो ऑफरिंग तो हो गई तो अब सेक्रीफाइज क्या करना है तो ऑफरिंग है आप कर्म को दे रहे हैं सेक्रीफाइज उस चीज़ को रिफाइन करते जा रहे हैं और सुंदर बनाते जा रहे हैं प्योर एंड परफेक्ट चैनल उसके अंदर एक विकास एसेंट इसीलिए असेंट ऑफ द सेक्रीफाइस कहा गया है तो वो अपने आप उसके अंदर एक एक प्रगति एक इवोल्यूशन अंतर्निहित है योर ओनली ऑब्जेक्ट इन एक्शन किस लिए हम करेंगे काम शेल बी टू सर्व टू रिसीव टू फुलफिल टू बिकम ए मैनिफेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन शक्ति इन हर वर्क्स काम भगवान कर रहे हैं हमको क्या करना है ग्रहणशीलता माता जी से किसी ने कहा ग्रहणशील कैसे बने माँ कहती हैं वेन यू गिव जितना हम देंगे उतना हम भगवान को रिसीव करेंगे और उतना विशाल होते जाएंगे और जैसे जैसे हम रिसीव करेंगे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि प्रारंभ में कोई भी मनुष्य एक छोटा सा तो कुल्लड़ है तो धीरे धीरे रिसीव करते करते वो घड़ा बनता है तालाब बनता है नदी बनता है समुद्र बनता है जितना हम रिसीव करेंगे वो अपने आप भगवान हमारे पात्र को बड़ा करते विशाल करते जाते हैं उसको और अधिक सफल बनाते जाते हैं तो यहाँ पर ये यह बात हो रही है कि टू रिसीव टू फुलफिल किसका प्रयोजन मेरा नहीं भगवान का टू फुलफिल टू बिकम ए मैनिफेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हम केवल भगवान को प्रकट करने की अभिव्यक्त करने के यंत्र बने न मेरा न तेरा न किसी और का किसी और को प्लीज़ करना दूसरे से कैसा किया मैंने काम नहीं केवल भगवान को हमको उनको प्रकट करने के लिए उनको अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सुंदर परफेक्ट यंत्र बनना है और वो भी भगवान बनाते हैं जितना हम खुलते जाते हैं यू मस्ट ग्रो इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस और उसके लिए क्या है और इस माध्यम से धीरे धीरे हम भगवान की चेतना के साथ एक होते जाते हैं ज्ञान योग में जो हम एक होते हैं एक हिस्से में होते हैं भक्ति योग में एक और हिस्से में होते हैं लेकिन कर्म योग में इनवेरिएबली ये ट्रिपल मार्ग है तो भगवत गीता का कर्म योग कर्म योग तो है ही लेकिन उसको त्रिमार्ग भी किए कहा गया है क्योंकि उसमें आपकी बुद्धि आएगी ही आएगी आपका भाव आएगा ही आएगा बुद्धि योग भी आएगा भक्ति योग भी आएगा कर्म योग आइसोलेशन में हो नहीं सकता आप कहेंगे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ लेकिन दिल में प्यार नहीं है भगवान कहेंगे छोड़ दे भाई <laughs> तो तु, तुम जाओ कहीं और मैं मैकेनिकल दिहाड़ी की मजदूरी थोड़ी आप भाव के साथ करेंगे और आप बोलेंगे मैं आपका काम कर रहा हूं जैसे मर्जी करूंगा अज्ञान में करूंगा तो भगवान कहेंगे प्लीज तू ज्यादा मेरे लिए परेशानी की पैदा करेगा तो कर्म योग में ज्ञान योग और भक्ति योग बुद्धि योग अंतर्निहित है लेकिन बुद्धि योग या ज्ञान योग कैन बी प्रैक्टिस्ड विदाउट कर्म योग इवन विदाउट भक्ति योग और होते हैं ऐसे लोग जो ज्ञान योगी होते हैं वो नीचे देखते हैं थोड़ा भक्ति योगियों को और भक्ति वाले होते हैं जो ज्ञान योगियों को देखते हैं ये इनको क्या मालूम है लेकिन कर्म योग में ये सब जुड़ा हुआ है इसीलिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि तुम एक हो जाओगे भगवान की चेतना से भगवान की चेतना में ये सब कुछ है डिवाइन विल है ओमनी पोटेंस है डिवाइन नॉलेज है उमनी सियन डिवाइन आनंद है जो लव है तो इसीलिए इसमें जो एकत्व होता है वो कंप्लीट होता है टिलर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर विल एंड हर्स कितनी सुंदर अवस्था है ये भी नहीं कहना है कि लेट दाई विल बी डन प्रारंभ वैसे होगा लेकिन फिर क्या अवस्था आएगी ऑटोमेटिकली <coughs> आपके अंदर वह संकल्प आएगा जो भगवान का संकल्प है नो एक्शन नो मोटिव एक्सेप्ट हर इम्पल्शन इन यू ये इंपल्सन कैसे आता है तीन प्रकार से आता है या राधाराम कहें एक करेक्ट प्रकार है उसके दो रूप हैं जो वो परफेक्ट नहीं है एक है जब वो आपको इंस्पिरेशन के रूप में आएगा मस्तिष्क के द्वार से एक डीप इंस्पिरेशन <coughs> वो भी उसको पकड़ा जा सकता है लेकिन वो परफेक्ट इंपल्शन नहीं है और दूसरा जो एक आवेश के रूप में अंदर में आता है लोग कहते भी हैं इसको एक भाव अंदर में जागे का आवेश ये वाइटल के उससे आ रहा है एक माइंड से आ रहा है एक वाइटल से आ रहा है और ये एक, एक जब तक हम ट्रू इम्पलशन को नहीं पकड़ते तब तक ये एक इंडिकेटर होते हैं लेकिन बाद में ये दोनों भी जब शांत हो जाते हैं तो वो हृदय की गहराई से आता है लाइक ए स्टिल स्म स्मॉल बॉय कमांड ऑफ गॉड एक इंडिकेशन जेंटल सा हल्का सा और आप देखेंगे कि आप उसके हिसाब से नहीं गए अगर सीखता है व्यक्ति की तो ये उसके परिणाम बाद में पता चलते हैं और फिर वो रीओरियंट होता है लेकिन वो एक सीखता है व्यक्ति इसके थ्रू तो जो रियल इंपल्शन है डिवाइन इम्पल्शन वो हृदय की गहराई से आता है या एक इंटूटिव फ्लैश की तरह आएगा लेकिन वो शांत होगा वो इम्पोज नहीं करता अपने आप को भगवान के सारे काम इन पीस एंड साइलेंस द इटर्नल मैनिफेस्ट वो इम्पोज नहीं करेगा कई बार एक पहला इम्पल्शन आएगा जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आई मस्ट डू दिस आई मस्ट डू दिस वेट वेट नहीं मुझे करना है ये काम वेट 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 टिल यू विल फाइंड आप वेट करो कि जब मैं शांत हो जाऊंगा ना तब भी अगर मुझे यही इंपल्सन आएगा तब करूंगा और मैंने कई बार देखा है कि बस मैं लिखने वाला हूँ चिट्ठी और मैंने कहा नहीं वेट वेट आधे घंटे वो इवन इफ आई ट्राई टू कॉल दैट बड़ी ऊंची हा, हाई अवस्था में आ रही है ये मैं समझ पा रहा हूँ कि इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस लोअर और रैशनल मोटिव बट समथिंग हायर बट येट इट इज़ नॉट दी परफेक्ट डिवाइन इम्पल्शन और जब आप उसमें प्रवेश करते हो देन इट्स लाइक इट हैज़ नो मीनिंग वो चला जाता है तो इस तरह से जो इसका क्राइटेरिया ये होता है डिवाइन इम्पल्शन सदैव एक पीस एंड साइलेंस में आता है वो अपने को फोर्सिबली uh, नहीं इम्पोज करता है नो एक्शन दैट इज़ नॉट हर कॉन्शियस एक्शन इन यू एंड थ्रू यू भगवान ही कर रहे हैं लेकिन कॉन्शियस आप सचेत होगे कि ये भगवान ही कर रहे हैं और criteria इसका भी बड़ा सिंपल होता है जहाँ पे हम भगवान के इम्पर्शन को करेक्ट ढंग से रिसीव नहीं करते हैं वहाँ ना जॉय होता है ना पीस होती है दूसरे लोग कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया लेकिन आपको पता है अंदर में कि नहीं ये मैंने करेक्ट स्टेट में नहीं मैंने परफेक्ट स्टेटमेंट यहाँ परफेक्शन की बात हो रही है वो स्टेट मानव उससे हायर है हो सकती है बेटर हो सकती है पर आपको अंदर में पता होगा भगवान की जो ट्रू इम्पल्शन है हमेशा एक जॉय एक फ्रीडम लाएगी आपको बाद में नहीं लगी आ रही मैंने किया ऐसे करना था ठीक किया नहीं किया शुड नेवर लुक बैक डोंट प्रिपेयर एंड डोंट लुक बैक ये किया मैंने अच्छा किया गलत किया ऐसे होता मतलब वो अब सेल्फ रिगार्डिंग ही को आ रही है हमको केवल ये देखना है कि हम कितना जुड़े हुए थे भगवान के साथ बस इतना देखना है अनटिल यू आर कैपेबल ऑफ दिस कंप्लीट डायनेमिक आइडेंटिफिकेशन ये तो एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है एक महीने एक साल ये तो समय लगता है तो जब तक डायनामिक आइडेंटिफिकेशन केवल एक स्टैटिक प्रेजेंस नहीं कि अंदर भगवान है किंतु तो उनका ही हम हमें एक एक हमारे जेस्चर पोस्चर मुद्रा वॉकिंग टॉकिंग हर चीज में हो तो जब तक ये नहीं होता यू हैव टू रिगार्ड योर सेल्फ ए सोल एंड बॉडी क्रिएटेड फॉर हर सर्विस कि माँ मैं तुम्हारे लिए हूँ इस शरीर को जितना आप इससे कर्म करवा लो जितना इसको अपना यंत्र बना सको उतना ही मैं सदैव सदैव ऋणी तो हम लोग वैसे ही रहेंगे लेकिन उतना ही अधिक आपको आनंद हो यही आपकी अभिप्सा होनी चाहिए वन हु डज़ ऑल फॉर हर सिक किसी और के लिए नहीं और ये इस अवस्था तक जा सकता है मुझे एक उदाहरण पुराने समय में अच्छे अच्छे पोइट्स रहे हमेशा लेकिन कुछ पोइट होते थे जो जिन्होंने भगवान की भी बातें लिखी हैं लेकिन वो कोर्ट में राजा को प्रसन्न करने के लिए लिखते थे जैसे अपने अमीर खुसरो थे तो वो मिक्सचर है अगर आप सच में भगवान के लिए तो अगर कोई कहेगा आपसे कि अरे आपकी भाषा तो बड़ी अच्छी मेरे लिए कुछ लिख दो आप नहीं कर पाओगे आप योर पेन विल स्टॉप यू हैव टू फील दैट डिवाइन इंपल्सन नहीं तो वो नहीं आप कर सकते हो वो आपका कितना ही निकटतम क्यों ना हो क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि आपका जीवन किसी और की सेवा के लिए नहीं बना है वो केवल और केवल भगवान की सेवा हाँ लेकिन हो सकता है कि भगवान स्वीकृति दे इन विच केस यू कैन राइट तो यहाँ पर ये बात है कि केवल और केवल उनके लिए वन हु डज ऑल फॉर हर सेक ऑल इसमें कोई ये नहीं है ये करोगे वो करोगे ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते इवन इफ द आइडिया ऑफ द सेपरेट वर्कर इज स्ट्रांग इन यू एंड यू फील दैट इट इज़ यू हु डू द एक्ट येट इट मस्ट बी डन फॉर हर जैसा बताया कि एक सीमित तरह से हम कर्म को देख सकते हैं कि मैं करता हूँ और मैं भूखता हूँ कर्म फल का और केवल ये हम ला सकते हैं कि बीच में कि प्रयोजन हम बदल देंगे तो अगर ये है भी प्रारंभ में तो भी हमको ये देखना है कि हम करें केवल भगवान के लिए माता जी की सेवा के लिए ऑल स्ट्रेस अब ये कैसे इसका प्रमाण क्या होगा ऑल स्ट्रेस ऑफ इगोइस्टिक चॉइस माँ ने दिया यहाँ पे काम अरे मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ यहाँ हुआ ऐसे लोग चले गए एक थे बहुत विराट पंडित उनको माँ ने लाइब्रेरी में काम दिया साफ करो किताबें बाद में तो चले गए मतलब एक <laughs> कई <कही> वर्षों <laughs> काम भी किया उन्होंने एक थे अपने वेद प्रकाश जी का तो बहुत सुंदर उदाहरण है वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और उनको माता जी ने डाइनिंग रूम में काम दिया लोग आके ये बोलते थे अरे आपको यहाँ पे काम दे दिया तो मैंने कहा नहीं माने मुझे जो काम दिया है करेक्ट काम दिया है सही काम दिया है ईगोस्टिक चॉइस नहीं मैं तो ये करूँगा क्यों क्योंकि मैंने तो अब तक इसके लिए पढ़ाई की है तो ये सब होगा जिससे कि हमारी ये भगवान ही परीक्षा ले रहे हैं लेकिन हमको ठोक बजा के देखा जा रहा है कि ये ये आ तो गया है लेकिन सिंसियर है कि नहीं है तो ये स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो भी काम ऑल स्ट्रेस ऑफ इकोइस्टिक चॉइस ऑल हैंकरिंग आफ्टर पर्सनल प्रॉफिट ये काम में तो फील्ड में काम करना पड़ेगा का, दूसरे तो देखो डेस्क पर बैठ के ए रूम में काम कर रहे हैं तो ऑल स्ट्रेस ऑफ इकोइस्टिक चॉइस ऑल हैंकरिंग आफ्टर पर्सनल प्रॉफिट ऑल स्टलेन ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग डिजायर मस्ट बी एक्सटरपेटेड फ्रॉम द नेचर और ये डिजायर यहाँ तक हो सकती है कि अरे उनका कितना अच्छा है ना माता जी के पास उनके वहाँ रह करके काम करने को मिल रहा है इवन दिस मस्ट गो जहाँ भी वो रखेंगी माँ आपके साथ रहेंगी ये कोई पॉइंट नहीं है कि हम वहाँ तो पास में बाहर से लेकिन अंदर में हम कौसो दूर हैं। जहाँ वो रखेंगी जहाँ भेजेंगी कितनी सुंदर सुंदर कहानी है वो थी हमारे ज्योति प्रिया जुडिट टाइबर्ग तो जाके माँ को कहती हैं कि आप तो मुझे ये कह रही हो कि ये सीखो वो सीखो वहाँ जाके वेस्ट में टॉक दो वहाँ लोगों के बीच में जाओ अलग अलग जगह टॉक यहाँ तो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो टॉक देती है बाहर जा रही है तो ये तो योग नहीं कर रही है योग से गिर गई है माँ ने कहा इनको ये जो कहते हैं ना इनको कहने दो इनको कुछ नहीं पता है और इन्हीं लोगों के कारण मेरा काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है सबको कंफर्ट जोन चाहिए ऐसे कंफर्ट जोन माने नहीं यूज किया लेकिन ये कि नहीं तुम इनकी बात मत सुनो तुम्हारा एक विशाल पथ है फिर माँ कहती है कि वो एक नैरो पथ है जो कुछ लोग उसके लिए बने होते हैं लेकिन तुम्हारा पथ बहुत विशाल है और तुम्हें ते, तुम तैयार हुई हो आई हो इसके लिए सचेतन रूप से तुम वो करोगी जो मैं चाहती हूँ या तुम वो करोगी जो ये लोग कहते हैं देखिए ये कोई इगोइस्टिक चॉइस इसमें अपना व्यक्तिगत लाभ देयर मस्ट बी नो डिमांड फॉर फ्रूट एंड नो सीकिंग फॉर रिवार्ड यही एक भगवान की नौकरी बहुत बड़ी बड़ी बात है भगवान का सर्वेंट बनना और स्लेव बनना तो सुपर गॉड सर्वेंट इज समथिंग गॉड स्लेव इज ग्रेटर यहां पे भगवान कुछ देने का वादा नहीं करते हैं सिवाय एक चीज के बहते तो मैं तेरे साथ रहूंगा आप कर लो वैल्यू अगर अब यही तो है ना अर्जुन ने यही तो चुना था ये हारना जीतना लगा रहता है जीवन मरण लगा रहता है सेना वेना ये तो सब इधर उधर आप साथ में रहना तो यहाँ उसकी बात हो रही है कि कोई रिवार्ड मुझे क्या फ़ायदा होगा स्वर्गलोक में मुझे प्रायोरिटी क्या वो बोर्डिंग होती है प्रायोरिटी बोर्डिंग और वो स्पेशल डिप्लोमेटिक एंट्री कुछ नहीं बस मैं तेरे साथ चलूंगा जहाँ भी ले जाए ले जाऊँगा तो प्रभु आप चलोगे हाँ नरक में भी हाँ तो डोंट वरी अबाउट इट तो ये जब भाव आ जाता है हमारे अंदर नो सीकिंग फॉर रिवार्ड द ओनली फ्रूट फॉर यू इज द प्लेजर ऑफ द डिवाइन मदर एंड द फुलफिलमेंट ऑफ हर वर्क कि बस माँ आप खुश हो मेरे काम से आपको खुश करना है और कुछ नहीं और उसी का जो आनंद मिलता है वही ओनली रिवार्ड ए कॉन्स्टेंट प्रोग्रेशन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड काम एंड स्ट्रेंथ एंड ब्लिस क्या मिलेगा भगवान कह रहे हैं प्रगति होगी कॉन्स्टेंट प्रोग्रेशन शांति मिलेगी शक्ति मिलेगी आनंद मिलेगा भगवान कुछ पैसे कौड़ी का भी इंतजाम योग वो मैं करूँगा कैसे करूँगा मेरे ऊपर छोड़ दे सच पूछिए तो आप जो कुछ जीवन में इन सबके द्वारा पाना चाहते हैं लेकिन दो नाव में पाँव नहीं रखना चाहिए ये नहीं कि हम कह रहे हैं अच्छा फिर तो अच्छी बात है ऐसे नहीं होता है आप दो अपने आप को रेस्ट विल बी पर यह सोच के नहीं हम दे रहे हैं होगा तो ऐसा ऐसे नहीं होता है ये काम सो दैट्स वाई वन हैज टू लुक इन साइड द जॉय ऑफ सर्विस एंड द जॉय ऑफ इनर ग्रोथ थ्रू वर्क इज द सफिशियंट रिकम्पन्स ऑफ द सेल्फलेस वर्कर कोई बायोडाटा में नहीं एंट्री होगी कि यू आर ए मेम्बर ऑफ शोरबिंदु आश्रम और यू यू आर ए वर्कर इन शोरबिंदु सेंटर ये सब कुछ नहीं मिलेगा अपनी माँ का सिंबल उम्बल लोग लगाते हैं आर नॉट टू पुट सब करते हैं लोग नाम से नीचे लिख भी देते हैं प्रेसिडेंट चेयरमैन पता नहीं क्या क्या सेक्रेटरी ऑफ श्योरबिंदो सम सेंटर ये सब नॉन चीज़ें हैं आपकी कोई पहचान नहीं है और जो पहचान है वो माँ के पास है उनका काम कर रहे हो आप और उनका जो आनंद है ग्रोथ हो रही है दैट्स योर ओनली रिकम्पेंस और वो भी आपके और माँ के बीच में है बट ए टाइम विलकम यह तो बीच का पीरियड है जब आपको ऐसे चलना है फिर एक समय आएगा बट ए टाइम वेन यू विल फील मोर एंड मोर दैट यू आर द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट द वर्कर फिर आप देखोगे काम तो भगवान कर रहे हो आपने अपने आप को उनके हाथ में सौंप दिया है यू आर नो मोर द सेपरेट वर्कर आप टेप रिकॉर्डर होता है लोग टेप रिकॉर्डर कोई ल्यूजन हो जाए मैं गाना गा रहा हूं <laughs> आप बोलो ऑर्डर करो टेप रिकॉर्डर जानता है नहीं होता है मतलब कोई कहता है हम मैं तो ये कहता हम लोग भगवान के टेप रिकॉर्डर हैं जहाँ वो <laughs> सब म्यूजिक उन्होंने डाला हुआ है वो कैरम वाला वो भर देते हैं टेप लगा देते हैं प्रेस करते हैं चालू हो जाता है लेकिन टेप रिकॉर्डर ठीक होना चाहिए उसमें की आवाज़ आ रही है टेप फंस रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो यहाँ गया इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट द वर्कर वो सब वो कर रहे हैं लेकिन आपको एक यंत्र बनना है यंत्र एकदम पूरा सरेंडर्ड होना चाहिए आप तलवार बन गए तो ये मत पूछो भगवान ये ये तो मेरा अपना है इसको इसको आप छोड़ दो हो सकता है आप छोड़ दे <laughs> आप कलम बन गए तो भगवान नहीं 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 ये क्या आप ये देखो ये तो आप क्या लिखवा रहे हो मेरे से <laughs> कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो गया <laughs> फिर आप उनके हाथ में सरेंडर कर दोगे अपने आप को फॉर फर्स्ट बाय द फोर्स ऑफ योर डिवोशन अब देखिए डिवोशन इंपॉर्टेंट है सब आ रहा है इसमें ज्ञान आ रहा है डिवोशन आ रहा है कर्म तो आ ही रहा है By द फोर्स ऑफ योर डिवोशन योर contact विद द डिवाइन मदर विल बिकम सो इंटीमेट दैट एट ऑल टाइम्स यू विल हैव ओनली टू concentrate एंड टू पुट एवरीथिंग into her hands हैंड्स टू her प्रेजेंट गाइडेंस हर समय साथ में नहीं समझ आ रहा गाइडेंस देखिए ज्ञान भी आ गया ऐसे करो ये करो तो वो सारा भगवान ऐसे बोलते नहीं है कन्वर्सेशन नहीं होल्ड करते हैं कन्वर्सेशन विद गॉड पार्ट वन टू थ्री नो ही एक्ट्स थ्रू यू एंड यू नो ही इज एक्टिंग थ्रू यू ये माँ ने कहा था माँ से किसी ने पूछा मदर आई वॉन्ट टू हैव कन्वर्सेशन विद गॉड माँ ने कहा गॉड नॉट डॉट इन कन्वर्सेशन चैट चल रहा है भगवान के साथ तो यू हैव टू कंसेंट्रेट और भगवान आपको गाइड करेंगे हर और गाइडेंस कैसी होगी हर डायरेक्ट कमांड और इम्पल्स वो आपको प्रैक्टिस हो जाती है ट्रेनिंग हो जाती है कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप वेट करो हर डायरेक्ट कमांड और इम्पल्स द श्योर इंडिकेशन ऑफ द थिंग टू बी डन दैट इज द वे द डिवाइन ऑपरेट्स एंड द वे टू डू इट एंड द रिजल्ट ये सारी चीज़ें क्योंकि भगवान के एक्शन में ये सब एक साथ होता है आपको ये करना है इसका रिजल्ट ये होगा और ये तरीका है इसको करने का और ये देखिए ये नॉलेज है कर्म के द्वार से जब ज्ञान आता है तो प्रैक्टिकल ओमनीसियंस एंड ओमनिपोर्टेंस होता है प्रैक्टिकल क्योंकि आपको सारे विश्व का नहीं पता है लेकिन आपके क्षेत्र में आपको क्या करना है कैसे करना है और उसका परिणाम क्या होना है ये सब आपको पता चल गया सुप्रमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का ये एस्पेक्ट है प्रैक्टिकल ओमनीसियंस और चूंकि उस कर्म के अंदर ज्ञान भी है और उसमें जो शक्ति है वो उसमें उसका कर्म फल ऑलरेडी अंतर्निहित है तो प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस भी हो गया ये दोनों चीजें एंड आफ्टर वर्ड्स यू विल रियलाइज दैट द डिवाइन शक्ति नॉट ओनली इंस्पायर्स एंड गाइड्स बट इनिशिएट्स एंड कैरीज आउट योर वर्क्स फिर बाद में पता चलता है कि उन्होंने ही सारी प्रेरणा दी प्रारंभ भी सर्वसंकल्प सन्यासी यही अर्थ है प्रारंभ भी वही कर रही हैं ले भी वही जा रही हैं और उसको कल्बिनेशन पे भी वही ले जा रही हैं ऑल योर मूवमेंट्स आर ओरिजिनेटेड बाई हर उस समय नहीं मालूम पड़ता है कि ये कैसे हो सकता है लेकिन वो धीरे 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 जैसे वो चैप्टर बाई चैप्टर जिंदगी के खुलते हैं एक एक पेज खुलता है तो पता चलता है कि हाउ शी इज़ कैरिंग शेयरविंग ने उस समय हम लोग सिंथे पढ़ रहे हैं ना ही मेक्स द लेम टू वॉक एंड द ब्लाइंड टू सी कि कैसे ये संभव हो पाया और क्यों ऐसा हुआ all your movements are originated by her. all your powers are hers. mind, life and body are conscious and joyful instruments of her action. means for her play, molds for her manifestation in the physical universe. so, khidmi sundar baat hai. you are free. literally free. What is apka, kya apka kuch hai. it is a state of such a wonderful freedom. yugi apka kuch nahe. तो आप ये होता है रियल सेंस कि हम आप खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे वो पैसिमिस्टिक सेंस में नहीं पैसिमिस्टिक सेंस में क्या होता है बहुत ये है कि आपने ये सब किया छोड़ के जाना लेकिन इसका जो परफेक्ट सेंस है वो ये है कि आपके थ्रू और लेकिन खाली हाथ जा रहे हो लेकिन ग्रोथ कितनी हुई है आपकी पर आप सब कुछ वहीं पर देकर के ये आपका है नो ट्रिब्यूट्स नो मेमोरियल्स ये एक बड़ी सुंदर सी चीज दादा की बात मैंने देखी प्रणब दा उनका बर्थडे आने वाला है अठारह अक्टूबर को कोई कुछ नहीं चौथा दिन दसवां दिन कोई मेमोरियल मना करके कहते कहीं मेरे नाम से कुछ बिल्डअप नहीं करना कुछ नहीं करना मैंने पूछा उनको कि उन्होंने कुछ बोला ही स्पेसिफिकली सेट बिल्कुल नहीं दैट इज लोग जाने के बाद भी वेट करते हैं मेरा सवा दिन मना रहे कि नहीं हंड्रेड बर्थडे जस्ट लीव फ्री टोटल फ्रीडम फ्यूज इन द डिवाइन इट बिलोंग टू द डिवाइन यहां आपने रख दिया एंड दैट्स इट इसीलिए वो कह रहे हैं देयर कैन बी नो मोर हैप्पी कंडीशन देन दिस यूनियन एंड डिपेंडेंस फॉर दिस स्टेप कैरीज यू बैग बियॉन्ड द बॉर्डर लाइन From the life of stress and suffering in the ignorance into the truth of your spiritual being, into its deep peace and its intense ananda. Stress of suffering. And Bhagwan kam kaise hoga, kya hoga? kare, re, sab you free. Aapko ye live in the present Because then you will be always in the eternal moment and the highest eternal moment. तो ये तो अगर आदमी थोड़ी देर को भी अनुभव करता है ना इट इज़ सो पावरफुल कि वो बार बार चेतना वहीं पर जाएगी इनिशियली एकदम स्ट्रेट अवे नहीं होता है तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं वाइल दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ बींग डन इट इज़ मोर देन एवर नेसेसरी टू कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल टेंट ऑफ द परवर्शंस ऑफ द ईगो माता जी कहती हैं कि सबसे जो बड़ा टेस्ट होता है वो सक्सेस जब मिलती है माँ कहती हैं शुरू में तो कई बार होती इंसान को वैनिटी होती है फिर भी लेकिन सक्सेस जब मिलती है तो माँ कहती इज़ द टेस्ट कि ये सच में कहीं इसके सिर तो नहीं चढ़ गया है कि मैं भक्त भग हूँ भगवान का मैं उनका सेवक हूँ जय विजय को चढ़ा था इसलिए कहानी याद कर हो गया। ऐसा गिरे कि पता नहीं चला कहाँ चले गए <laughs> क्या क्या <laughs> तो ये जो परवरशंस ऑफ द ईगो कहीं भी आ सकती है मैं भगवान का के पास काम कर रहा हूँ मैं मुझे ये काम भगवान ने दिया है उन्होंने दिया आपको इटर्निटी के लिए नहीं दिया है कोई चीज़ नहीं दी है वो दिया क्या मतलब उन्हीं का है वो कल को आपकी जगह कोई और आ जाएगा आपको एक सेकंड नहीं लगना चाहिए कि अरे भगवान ने मुझसे इतना बढ़िया काम छीन लिया चला गया।, गया तो गया दिया तो दिया दैट्स इट तो, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं उसी तरह से परवर्शन ऑफ द ईगो और ये खासकर जब सक्सेस माँ कहती इट इज़ द लास्ट टेस्ट लेट नो डिमांड और इंसिस्टेंस क्रीप इन टू स्टेन द प्योरिटी ऑफ द सेल्फ गिविंग एंड द सेक्रीफाइस किसी प्रकार की माँ ये तो काम इतना अच्छा चल रहा था ये क्या हो गया उनका काम है इवन इफ एवरीथिंग स्टॉप्स द नेक्स्ट मोमेंट यू शुड बी इनवर्डली फ्री इसे वो कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति <laughs> लेसन भगवान देते हैं बहुत सारी कहानियां है इसकी यहां पर भी मैंने देखी है लोगों की जीवन में देअ मस्ट बी नो अटैचमेंट टू द वर्क और द रिजल्ट ये काम कर रहा था कितना अच्छा था इसका परिणाम ये हो रहा था नो लिंग डाउन ऑफ कंडीशन नो क्लेम टू पोजेस द पावर दैट शुड पोजेस यू अरे उनके पास तो बहुत शक्ति है बहुत उनको ज्ञान है बहुत ज्ञान है जिस दिन आपको लगे ना आपको कुछ ज्ञान नहीं है उस दिन सच्चा ज्ञानी है बोलने की बात नहीं ये जानने महसूस करने की क्योंकि तब वो अनंतता आपके सामने है जब आपको यह है हर मोमेंट यू आर लाइक ब्लैंक स्लेट तो अब भगवान का ज्ञान तो वो तो अनंत है ना आप जैसे ही बोलते हो मुझे ज्ञान है तो आपने उसको एक सीमित कर दिया फॉर्मूला में सिस्टम में फिलॉसफी में द्वैत बना दिया द्वैत बना दिया द्वैत अद्वैत बना दिया विशिष्ट अद्वैत बना दिया सांख्य बना दिया इत्यादि हैं। हम किसी चीज में क्यों सीमित रहे हैं? तो अनंतता इस तरह से आप सारे सिस्टम से पार चले जाते हो किसी थॉट स्ट्रक्चर में बनते नहीं हो नो प्राइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नो वैनिटी और एरोगेंस वैनिटी तो ऑफकोर्स बड़ी खतरनाक है और एरोगेंस भी है और विनम्रता भगवान के रास्ते पे चलने का जो पक्का हंड्रेड परसेंट परिणाम जो सामने आता है वो विनम्रता क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ नॉट यू उसके पहले इंसान को लगता है कि आई एम पर फिर आपको पता चलता है कि इट्स नॉट मी नथिंग इन द माइंड और इन द वाइटल और फिजिकल पार्ट्स शुड बी सफ़र टू डिस्टॉट टू इट्स ओन यूज़ और सीज फॉर इट्स ओन पर्सनल एंड सेपरेट सेटिस्फैक्शन द ग्रेटनेस ऑफ द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग थ्रू यू कि माइंड चाहता है नाना प्रकार से पांडित्य चाहता है हर नॉलेज उसके उसमें रहेगी लेकिन वो वो कहानी ना ईश्वरचंद्र विद्यासागर की श्री रामकृष्ण परमंस के पास आते हैं तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अरे आज विद्या का सागर इस नाले के पास आया की विनम्रता है क्योंकि वो पांडित्य तो ऐसे वो नहीं ये श्लोक याद है वो है संस्कृत का ये उच्चारण ऐसा ये सब नहीं करते थे वो ही डिन नीड टू जो उनको चाहिए था वो इंट्यूटिव नॉलेज आती थी तो वो कहते हैं विद्यासागर एक्चुअली इज विद्यासागर उनका नाम ही तो ऐसे पड़ा तो कहते हैं अरे अगर कोई नाला सारे समुद्र के साथ एक हो जाए तो फिर वो नाला कहाँ रहा तो कहते हैं आप तो महासमुद्र हो क्यों उनके साथ ऐसा था उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई सिस्टमैटिक अध्ययन किया था वेदों का इसका उसका नहीं पर उनके अंदर वो ज्ञान था स्वतः स्फूर्त इंटूटिव ज्ञान था जितना जो चाहिए था एग्जैक्टली उनको ये चीज आती थी तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि माइंड वाइटल मुझे भी लोग माने ज्ञानी जन गुणी जन, जनों की सभा में <laughs> अष्टावक्र का यही स्टोरी है अष्टावक्र जाते हैं सब हंसते हैं तो राजा जनक से कहते हैं कि आपने ज्ञानियों की सभा बुलाई थी बोले हाँ कहते हैं ये तो चमारों की सभा है क्या मतलब तुम्हारा कहते हैं ये मेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं तो चमार ही है जो शरीर देखते हैं मुझे लगा आपकी सभा में लोग आए जो कम से कम आत्मा को देख पाते हैं टेढ़ा मेढ़ा था ना आठ जगह से तो ये नहीं कि मुझे वहाँ बैठने का आसन क्यों नहीं दिया मंचा सीन प्रेसिडेंट के साथ मुझे क्यों नहीं बिठाया उसको क्यों बैठा दिया तो ये सारी जो चीज़ें हैं अंदर से चली जानी चाहिए लेट योर फेथ योर सिंसैरिटी योर प्योरिटी ऑफ एस्पिरेशन बी एब्सोल्यूट एंड परवेजिव ऑफ ऑल द प्लेन्स एंड लेयर्स ऑफ द बींग देन एवरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट एंड डिस्टोर्टिंग इन्फ्लुएंस विल प्रोग्रेसिवली फॉलो अवे फ्रॉम योर नेचर श्रद्धा सतत बनाए रखनी है सिंसेरिटी सत्यनिष्ठा बढ़ाते जाना है और प्योरिटी ऑफ एस्पिरेशन कोई मिक्सचर नहीं एम्बिशन नहीं और प्योरिटी टू बी ओनली अंडर द डिवाइन इन्फ्लुएंस एंड नो अदर यहाँ प्योरिटी का केवल एक ही अर्थ है तो जितनी इन चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है दैट इज द ब्यूटी आप ये नहीं कह सकते मेरी श्रद्धा तो पूरी हो गई श्रद्धा जैसे जैसे आप बढ़ती जाएगी एक एक प्लेन खुलेगा तो इसलिए एवरी प्लेन की बात कर रहे हैं सेंट्रल फेथ फेथ इन द माइंड फेथ इन द वाइटल फेथ इन द हार्ट फेथ इन द बॉडी उसी प्रकार से सिंसेरिटी हर एक पार्ट में एस्पिरेशन सिंसेरिटी सरेंडर लाना है और फिर द लास्ट स्टेज ऑफ दिस परफेक्शन विल कम व्हेन यू आर कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड विद द डिवाइन मदर एंड फील योरसेल्फ टू बी नो लॉन्गर एन एंड सेपरेट बीइंग इंस्ट्रूमेंट सर्वेंट और वर्कर कुछ भी नहीं फिर आप क्या है इटर्नल चाइल्ड ऑफ द डिवाइन मदर दिस इज कांस्टेंट अब वो तो काम कराए चाहें तो पास बैठाएं चाहें तो आप बोलें चुप करके बैठ चाहे तो जैसे चाहे न चाहे तो यहाँ पर है नन ऑफ दीज थिंग्स बट ट्रूली अ चाइल्ड एंड इटर्नल पोर्शन ऑफ अवर कॉन्शियसनेस एंड फोर्स आइडेंटिफिकेशन ये नहीं मतलब होता अब मैं माँ बन गया हूँ अब मैं लोगों को बताऊंगा नहीं नहीं होता है मैं मिला हूँ कि अब ऐसे लोग एक्चुअली मैंने मिल, मैं मिला हूँ मुझे आश्चर्य होता है कि अब ये डिवाइन मदर के बाद अब ये डिवाइन मदर की जगह है, एक्चुअली यू विल लाफ बट आई एम टेलिंग यू आई हैव सीन फेसबुक पे किसी के मैंने कहा ये कैसे देर कैन नॉट बी टू डिवाइन मदर्स पर करते हैं लोग अब दिमाग है उसका पागल होने में और लाइन बिटवीन योगिक सुपर नॉर्मैलिसी एंड एबनॉर्मैलिससी इज समाइम वेरी थिन तो बहुत कठिन है यह डगर पनघट्ट की तो आप क्या जब एक होते हो माँ के साथ तो क्या होते हो इटर्नल पोर्शन क्योंकि ये आपका शाश्वत सत्य है एज अ साइकिक बींग यू आर एन इटरनल पोर्शन ऑफ द डिवाइन मदर वो ये विलय वाला योग नहीं है लय और जिनका लय हो जाता है फिर वो ये नहीं बोलते कि आई एम वन विद द डिवाइन मदर आई तो चला जाते हैं ना वैसे भी <laughs> तो यहां पर ये स्मरण कर रहा है ऑलवेज oh, ये बहुत अद्भुत है यही होना चाहिए सबके जीवन में ऐसा हो ऑलवेज शी विल बी इन यू एंड यू इन हर आप फिर ये सब बेरियर चला गया आप कहाँ हो क्या हो कैसे हो इट विल बी योर कॉन्स्टेंट सिंपल एंड नेचुरल एक्सपीरियंस देखिए कॉन्स्टेंट सतत सिंपल स्वाभाविक इसके लिए कोई आपको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है एंड नेचुरल यही आपकी एक प्राकृतिक अवस्था हो जाएगी जिसमें क्या होगा दैट ऑल योर थॉट एंड सींग एंड एक्शन योर वेरी ब्रीदिंग और मूविंग कम फ्रॉम हर एंड आर हर्स और यही चीज श्री अरविंद माता जी चाहते हैं कि हम लोग उस अवस्था में चले जाए जहाँ जो कुछ भी हमारे और माता जी कहती हैं कि सच्चे पर्सन उसका पृथ्वी पर रहना ही बहुत है क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से वो अपने वातावरण में दैवी शक्तियाँ भगवान की दिव्यता वो अपने आप वातावरण में आती रहती हैं उसको पता चले ना पता चले क्योंकि उसके लिए वो नेचुरल स्टेट हो गई है पता कब चलता है जब आपकी कोई अननेचुरल स्टेट हो रही है जब आप उस आनंद में जीने लगते हो तो ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं होती इसीलिए सिंपल नेचुरल किसी और को वो लग सकता है लेकिन आपके लिए वो आपका एक न्यू नॉर्मल हो गया है यू विल नो एंड सी एंड फील दैट यू आर ए पर्सन एंड पावर फॉर्म्ड बाई हर आउट ऑफ हर सेल्फ पुट आउट फ्रॉम हर फॉर द प्ले एंड येट ऑलवेज सेफ इन हर जैसे एक तरंग उठती है समुद्र से वापस चली जाती है लेकिन इस बीच में बहुत कुछ होता है ये वेदांत में भी एनालॉजी दी जाती है लेकिन ये आधी एनालॉजी है वो तरंग उठती और चली जाती है वहीं से निकली वहीं जा रही है लेकिन वह बीच में ऐसा नहीं कि वेस्ट है समुद्र की पूरी ऊर्जा उसमें समाई है वो सुनामी बनकर एक पूरे नगर को डिबो सकती है और वो तरंग उसमें इतनी शक्ति है कि वो एक पूरे शहर को प्रकाश दे सकती है तो ये नहीं है कि ये तरंग उठी गई ये एनालॉजी कई बार आपने सुना होगा ना वेदांत बड़ा और अजीब लगता है मतलब वो तरंग बिचारी का कोई अस्तित्व ही नहीं वो गलती से उठ गई उसमें पूरे समुद्र की शक्ति है यही तो डिवाइन मदर का रहस्य है कि इस शक्ति का जो रहस्य है जो हमको जानना है और फिर क्या ऑलवेज सेफ इन हर बीइंग ऑफ हर बीइंग कॉन्शियसनेस ऑफ हर कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ हर फोर्स आनंदा ऑफ हर आनंदा व्हेन दिस कंडीशन इज एंटायर एंड हर सुपरामेंटल एनर्जीज कैन फ्रीली मूव यू जब ये अवस्था अपनी परिसमाप्ता पर चली जाती है और पूरी तरह माइंड के छन्नी के थ्रू नहीं वाइटल के टेंटेड ग्लास के थ्रू नहीं रिजिड बॉडी के थ्रू नहीं बल्कि वो डायरेक्टली सुपरामेंटल एनर्जीज काम कर पा रही है और उसके लिए एब्सोल्यूट स्टिलनेस रेस्टलेसनेस ईगो डिजायर इन सब के साथ ये नहीं हो सकता है वो सीधा सीधा डायरेक्ट सुपरामेंटल एक्शन होता है सुपरमेंटल एनर्जीज कैन फ्रीली मूव यू देन यू विल बी परफेक्ट इन डिवाइन वर्क्स तब हम कह सकते हैं कि दिव्य कर्म की हमने परफेक्शन पे पहुंच गए तब ये सब नहीं होता कि हम पहुंच गए <laughs> लेकिन यहाँ पर एक समझने के लिए देन यू विल बी परफेक्ट वो ऑटोमेटिक होगा वो परफेक्शन और तब क्या होगा नॉलेज विल एक्शन विल बिकम श्योर कोई डाउट नहीं रहेंगे भिद्यंती हृदय छिद्यंती सर्वसाच फिर वो कोई संशय डाउट शंका ये नहीं रहेगी श्योर सिंपल ल्यूमिनस स्पॉन्टेनियस फ्लॉलेस सरल सहज निश्चित प्रकाशयुक्त स्पॉन्टेनियस स्वतः ही स्वतः स्फूर्त फ्लॉलेस निर्दोष एन आउट फ्लो फ्रॉम द अब देखिए गीता में एक कर्मशु कौशलम शेरविंद इसको किस लेवल पर ले गए निर्दोष उसमें कोई दोष हो नहीं सकता निर्दोष एन आउट फ्लो फ्रॉम द सुप्रीम ए डिवाइन मूवमेंट ऑफ द इटर्नल उस परम से निकली हुई एक वेव के रूप में और वापस उन्हीं में जो चली जाती है जो देखते श्री शी, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चक्री बहुत बढ़िया है अब ये भगवान के सुदर्शन चक्र बन के जहाँ उन्हें डायरेक्ट किया गया वापस उनकी उंगली में आके किया मजे में फिर गायब भी हो जाता है <laughs> है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि भाई वो जब चाहते हैं ऐसे करते हैं देखिए सुदर्शन चक्र इज ए पावर इट सडनली अपियर्स फिर वो जिधर डायरेक्ट करते चला जाता है वो पूछता नहीं अरे शिशुपाल वो तो रुक्मणी का भाई है आप आरीशोर sure? <laughs> गया शिशुपाल नहीं वो रुक्मी रुक्मी का सिर नहीं काटते हैं वो पता है कि या शिशुपाल अरे थोड़ा क्षमा कर दीजिए उसके वो गया <laughs> सिर कटा वापस आ गया और फिर वहाँ नाच रहा है फिर वो वापस उनके अंदर चला गया तो ये फिर मनुष्य वैसा बन जाता है निर्दोष स्वतः स्फूर्त प्रकाशयुक्त सरल सहज निश्चित एन आउटफ्लो फ्रॉम द सुप्रीम ए डिवाइन मूवमेंट ऑफ द इटर्नल शाश्वत की एक शाश्वत गति दिव्य गति माँ, माँ